Hey guys, this is your boy Amanda Trawal और आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं SAT examination के बारे में। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यार, ये एग्जाम होता कब कब है, साल में कितनी बार होता है, इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या क्या होती है, अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कौन से मोड्स लेने चाहिए, ऑफलाइन किताब लेनी है तो कौन सी लें, ऑनलाइन पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ें, इसके आपको यार साथ में फ्री टेस्ट पेपर भी मैं दे दूंगा नीचे 5-6 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप देख के आपको एक ओवरव्यू भी मिल जाएगा पेपर का, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्या आप अपना सैट स्कोर डिलीट कर सकते हो या नहीं, कितनी बार आप इस सैट एग्ज़ाम को दे सकते हो, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सैट एग्ज़ाम आपको हेल्प करने वाला है, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलो यार आप थोड़ी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में ना सैट की सारी रामकथाएँ ना पढ़ डालेंगे, तो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे भाई, साल में कितनी बार होता है, कितनी बार आप दे सकते हो, स्कोर कैंसिल कैसे करते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, कितना कितना टाइम होता है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ऑनलाइन कहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, कहाँ नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें जितनी रामकथाएँ ना सब डिस्कस कर लेंगे। और ये राइट साइड में यार मैंने एक ना ये सैम्पल पेपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी साथ में डिस्कस करते रहेंगे, जिससे दिख जाए यार कि पेपर आता कैसा है। ठीक है यार, तो शुरुआत करते हैं। तो एक तो यहाँ पे राइट साइड में डिस्कस कर लेंगे, और 6 की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख रखी है, तो जिस जिसको मन करे जाके उन्हें देखते रहना। तो सबसे पहले सैट की बात करते हैं यार। तो सैट हमारा एक एग्ज़ाम है जिसकी वजह से आप अब्रॉड पढ़ सकते हो। कौन कौन सी कंट्रीज़ में सैट की मान्यता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं यार, मेन आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, बाकी उसके बाद कनाडा भी है। ऑल दो कनाडा में ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको सैट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी उसके बाद आपकी यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिनलैंड, जापान वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत यार 175 कंट्रीज़ हैं यार वर्ल्ड वाइड जो इस एग्ज़ाम को मानती हैं, बाकी इट्स यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। ठीक है, हो सकता है कनाडा में बोल तो दिया, पर कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी उन्हें वो कहेंगी कि सैट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपका सिर्फ एक टोफल या IELTS दे के ही काम चल जाए। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी देखना पड़ता है। अब एक दो चीज़ें और हैं यार, साल में कितनी बार होता है ये, US में यार ये 7 times होता है, इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 बार ही होता है। ठीक है, और 6 times होता है। ठीक है, कब कब होता है ये मैं आपको डेट्स महीने सारे अभी थोड़ा आगे बता दूंगा। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार साल में 6 बार दे सकते हैं तो टोटल कितनी बार दे सकते हैं, क्या 6 के 6 attempt हम दे सकते हैं या 6 में से कोई एक डेट हमें फिक्स करनी पड़ती है? नहीं यार, आप ज़िंदगी भर दे सकते हो इसे। ठीक है, यू कैन अटैम्प्ट इट एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट, जितना मन है उतना अटैम्प्ट कर लो, पर क्या है कि जितनी भी US की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट को काउंट करती हैं, वो देखती हैं यार कि इस बच्चे ने कितने अटैम्प्ट लिए हैं, इस बच्चे ने सैट एग्ज़ाम को UPSC एग्ज़ाम तो नहीं बना दिया था कि लग गया इसके पीछे, तो और मोर देन 4 attempts आर नॉट रिकमेंडेड। 4 attempts से ज़्यादा देखते हो तो यार वो सोचते हैं बच्चा बोंदू वगैरह, इसके नंबर स्कोर ही नहीं हो रहे, क्योंकि सैट एग्ज़ाम यार सीरियसली बहुत सिंपल सा होता है, और जो CBSE के बच्चे होंगे उन्हें काफ़ी सिंपल लगेगा, और जो JEE मेंस वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भाई हंसी मजाक हो जाएगा। इसमें यार हमारे 2 sections होते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है, वैसे तो 2 sections है यार हमारा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, पर उसको आप 4 sections में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, एक इंग्लिश में हमारा रीडिंग होता है, एक हमारा राइटिंग होता है, मैथ्स में हमारा एक पेपर होता है विदाउट कैलकुलेटर, एक पेपर होता है हमारा विद कैलकुलेटर, तो इस तरीके से हमारे 4 sections हो जाते हैं। ठीक है यार, अब साथ में यार हमारा एक ऑप्शनल 5th section भी होता है, और वो होता है हमारा एसे का, मतलब एसे लिखना होता है आपको 50 मिनट में। वो ऑप्शनल क्यों है, ऑप्शनल इसलिए यार क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि यार हमें एसे चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं यार नहीं आप अपना सिर्फ नॉर्मल सैट दे दो, ऐसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है और उसकी डिमांड क्या है, उसके बेसिस पे आप ऐसे दो या मत दो, पर फिर भी पूछोगे यार तो दे दो, क्योंकि ठीक है ना, पता नहीं आपका कब मन बदल जाए, और अच्छा रहता है आप साथ में ऐसे लिख देते तो। ठीक है, ओके। और स्कॉलरशिप्स की बात करें यार, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, हज़ारों कॉलेजेस हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं आपकी मेरिट के बेसिस पे। ठीक है, उन सब की एक PDF है जिसमें हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अगले 1-2 videos में जो होंगे इस सीरीज़ के ऊपर उसमें मैं आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा, तो उसे देख लेना यार आपका कौन सी टारगेट यूनिवर्सिटी है और उसमें वो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप उसके कोड वगैरह क्या हैं सब डिस्प्ले कर देंगे। अब यार थोड़ा सैट एग्ज़ाम के बारे में और खुदाई कर लेते हैं, तो कौन कौन से महीनों में होता है, तो इंडिया के बच्चे देख रहे होंगे तो इंडिया के ही मंथ्स देख लेते हैं हम। तो ये सारे मंथ्स होते हैं यार जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, और इनमें डेट क्या होती है, जनरली जो मंथ का 1st Saturday होता है उसी में यार आपका टेस्ट हो रहा होता है, एक्सेप्ट जनवरी। ठीक है, क्योंकि जनवरी में आपका जो लास्ट सैटरडे है उस टाइम में आपका सैट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है।
ठीक है, तो सिंपल था। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको देख लो। ये क्या है कि कुछ बच्चे हैं ना अपना सैट का स्कोर कैंसिल करना चाहते हैं। सैट का स्कोर कैंसिल क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है यार कि फॉर एग्जांपल मान लो एक बच्चा था, सो 1600 का हमारा पेपर होता है सैट का, उसकी एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मैं 1500 स्कोर कर दूंगा, पर पेपर के बाद वो उसे लग रहा है कि यार मेरे तो 1000 नंबर ही आएंगे। तो ऐसे में बच्चा अपना पेपर कैंसिल कर सकता है जो सैटरडे के बाद जो फर्स्ट वेडनेसडे आता है तब तक। और आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा, भैया कैंसिल क्यों करना है, हम तो कितनी बार भी सैट दे सकते हैं, तो एक और सैट दे दो, पिछले वाला कैंसिल क्यों करना है। इसके पीछे रीज़न ये है यार कि काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहती हैं कि सबमिट ऑल योर सैट स्कोर्स, कि मतलब आपने जितने भी सैट के एग्ज़ाम दिए उन सब के स्कोर्स सबमिट करो। तो अगर जब आप वो सबमिट करते हो और उसमें एक आपका कम नंबर वाला होता है तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप अपने सैट के स्कोर को कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कॉलेज बोर्ड को लिखना होता है, वो सारा प्रोसीजर होता है, पर जनरली बच्चे नहीं करते हैं क्योंकि इंडिया में यार ये काफ़ी एक्सपेंसिव। अभी मैं इसकी फ़ीस बताऊंगा सैट के एग्ज़ाम की, तो बच्चे ठीक से पढ़ के ही जाते हैं इस पेपर। अब यार हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, वो है कि बेस्ट टाइम क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सबसे पहले तो यार क्लास 11th में आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब स्टार्ट कर दोगे तो जब 12th की स्प्रिंग आएगी तब आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे दो, और अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा आ गया तो वेल एंड गुड। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा नहीं है, आपको लगता है आप और इम्प्रूव कर सकते हो, तो अक्टूबर नवंबर में दोबारा टेस्ट होते हैं, उस टाइम आप फिर से दे सकते हो। ठीक है यार, तो इस तरीके से कुछ कहानी रहती है। सैट स्कोर्स आर वैलिड फॉर 5 years, ये तो मैं बता ही चुका। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यार किस पोर्शन को कितना टाइम डिवोट होता है। अगर हम मैथ्स की बात करें यार, तो मैथ्स को टाइम डिवोट होता है 80 मिनट्स। ठीक है, 80 मिनट्स। और मैथ्स में हमारे दो सेक्शन हैं यार यहाँ पे। एक है हमारा 25 मिनट्स का जिसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता, एक है हमारा 55 मिनट्स का जिसमें कैलकुलेटर यूज़ होता है। इनको थोड़ा पेपर में खोल के देख लें कि ये दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले यार हमारा 25 मिनट्स वाले पेपर को देख लेते हैं जिसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता। तो इस तरह से कुछ दिखता है यार, 25 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और शुरुआत में कुछ नोट्स वगैरह आपको दे रखे हैं पेपर कैसे अटैम्प्ट देना है, साथ में कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं। ठीक है कि भाई ये कुछ फॉर्मूला वगैरह होते हैं या फिर ये रेफरेंसेस हम यूज़ करने वाले हैं इस पेपर में। ठीक है, तो देख लेना इनको यार एक बार। और उसके बाद सिंपल पेपर होता है, मतलब अभी चाहे बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, सारे हो जाएंगे। जेई मेंस वाले तो हंस रहे होंगे इस पेपर को देख के। CBSE वालों को हो सकता है कुछ कुछ जगह पे प्रैक्टिस करनी पड़े, थोड़ी मेहनत और करनी पड़े। ठीक है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान चीज़ है। जो इंडियन बच्चे होते हैं यार, उनको क्या होता है कि मैथ्स में इतनी दिक्कत नहीं आती, इंग्लिश वाले पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत आती है। और चलो अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो ये आपको सामने राइट में दिख रहा होगा, ये गंदा सा क्या, इतने सारे क्या ऑप्शंस हैं। ये बेसिकली ये होता है यार कि मान लो आपका आंसर है 7/12। ठीक है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैं जूम करूं। ओके, जूम करते हैं। अगर आपका आंसर है 7/12 यार, तो आप उसको ऐसे करते हो, 7 को आपने यहाँ गोला मार दिया, / को आपने यहाँ गोला मार दिया, 1 को आपने यहाँ गोला मार दिया, 12 को आपने यहाँ गोला मार दिया। तो एक तरह का सिस्टम है, समझ गए होगे, सिंपल था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अब हमारा दूसरा मैथ्स का टेस्ट होता है यार, जिसमें हमारा कैलकुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 55 मिनट्स में 38 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। दोबारा वही रेफरेंसेस दे रखे हैं कि क्या यूज़ होने वाले हैं पेपर में, और शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, सिंपल होता है यार, मतलब देख लेना, नीचे हैं, आपको अगर मन हो तो सॉल्व कर लेना। बाकी इनकी बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी बेस्ट रिकमेंडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यार ये तो ठीक है, समझ में आ गया, पर मैथ्स में ये पूछ क्या रहे हैं, ये कुछ वॉल्यूम जैसे क्या क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री वोमेट्री दिख रही है, कुछ अलजेब्रा दिख रही है, कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस वगैरह भी दिख रही हैं, तो सिलेबस क्या है। चलो यार थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, लेफ्ट साइड में आओ। तो आपका बेसिकली यार हाई स्कूल से बहुत जैसा ही कुछ सिलेबस होता है, मतलब आराम से कर लोगे एज सच। कुछ बच्चे यार पूछेंगे कि कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत होती है या नहीं। नहीं यार, कोचिंग की एज सच कुछ ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद DPSR के प्रोम में था, हमारा 1000 बच्चों का बैच था, 1000 बच्चों में यार 500 से ज़्यादा बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनमें से किसी ने कोचिंग नहीं ली, लिटरली किसी ने कोचिंग नहीं ली। ठीक है, तो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं अभी एक बुक बता दूंगा, वो कर लेना। बाकी थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। तो एक तो यार आपका हार्ट ऑफ अलजेब्रा है, और आपका पासपोर्ट टू एडवांस मैथ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा एनालिसिस, आपको हो गई है, कैसे कैसे नाम दे दिए, इनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। इस तरफ आ जाते हैं।
तो ये एक पेज है यार, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कि जैसे हार्ट ऑफ एलजेब्रा में आपके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, नहीं दिख रहा होगा ना आपको, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विद लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। तो सबसे पहले तो आप इसका एक बेसिक एग्जांपल देख सकते हो। बेसिक एग्जांपल कैसा दिखेगा? वाह, मेरा नेट बंद हो गया लगता है, अभी पता नहीं क्यों इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं आ रहा, पर आपके यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस खुल जाते हैं हर एक प्रॉपर लिंक के साथ में, और उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। सिमिलरली आपका जो पासपोर्ट टू एडवांस मैथमेटिक्स था, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल वर्ड प्रॉब्लम, रेडिकल्स, रैशनल एक्सपोनेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, पॉलिनोमियल फैक्टर्स ग्राफ, नॉन लीनियर इक्वेशन ग्राफ, ठीक है, वो ही बेसिक है यार, थोड़ा सा अलजेब्रा है, आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है और आपका ज्योमेट्री है, तो आराम से हो जाएगा, ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यार, जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मेन प्रॉब्लम होती है हमारी इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है, आपका जो दोनों सेक्शन हैं, तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है यार रीडिंग, वो 65 मिनट्स का होता है और इसमें टोटल 52 क्वेश्चंस होते हैं। और यार रीडिंग टेस्ट 65 मिनट्स में आपको 52 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है, वो इस पैसेज पे डिपेंडेंट है, आप पहले ये पैसेज को पढ़ते हो और उसके बाद आप ये कुछ 10 क्वेश्चन है ये सॉल्व कर डालोगे। उसके बाद आप दोबारा क्वेश्चन नंबर 11 to 21 आपके इस पैसेज पे साथ में कुछ और दे रखा होगा, ये ग्राफ दे रखा है, तो आपको इस पैसेज और ग्राफ की मदद से अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गुड, अब अगले में टेबल दे देंगे शायद, ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चन 22 to 31 इस पैसेज और इस टेबल के बेसिस पे होंगे, तो आपको इन दोनों को साथ में रिलेट करके ये अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे ही है पूरा रीडिंग सेक्शन, ठीक है, पूरा रीडिंग सेक्शन ऐसे ही है। अब जो जनरली इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं यार, चाहे जनरली बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में दिक्कत होती है और उसको अगर आपको ठीक करना है यार, तो दो तीन तरीके हैं, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म। अगर आप भाई 9th-10th क्लास के बच्चे हो, तो आप क्या करो यार, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे आप हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप कुछ भी पढ़ो, चाहे आप बार भी पढ़ो, पर आपका पढ़ना ज़रूरी है, समझ रहे हो, तो उससे आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगी यार। और वो चीज़ पढ़ो यार जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बजाय वो चीज़ पढ़ने के जिसमें भाई वोकैबलरी के वर्ड्स ज़्यादा होंगे। ऐसा लगता है हमें कि जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंग्लिश होगी उसको पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे, पर ऐसा नहीं होता यार, क्योंकि क्या होता है, जब आप डिफ़िकल्ट इंग्लिश को पढ़ते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, कि भाई स्टोरी क्या है, प्लॉट क्या है, तो आप 1-2 घंटे पढ़ लोगे, 2-3 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद आपका मन हट जाएगा वहाँ से। पर आप एक ऐसी चीज़ पढ़ते हो, चाहे हैरी पॉटर ही क्यों नहीं हुई, जैसे छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें आपका मन है, तो आप उस बुक को ख़त्म करोगे, तो इस तरीके से चीज़ पढ़ोगे तो यार पढ़ते भी जाओगे और सीख भी जाओगे, तो पॉइंट समझ गए होगे होपफुली। और बाकी शॉर्ट टर्म होता है यार दूसरा, शॉर्ट टर्म क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 2-3 महीने, 3-4 महीने या 1 महीना है, आपका सैट एग्ज़ाम आने वाला है, तो क्या करो, तो यार वो बुक्स आती हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर वगैरह, वो भी मैं आगे डिस्कस कर लूँगा, वो सीधे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, उसी से हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है यार आपका राइटिंग एंड लैंग्वेज, तो वो भी सिमिलर होता है यार, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा सेकंड स्टार्ट हो गया, इसमें आपको 35 मिनट्स में 44 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है यार, तो एक बार नीचे जाके पेपर को खोल लेना, थोड़ी फील आ जाएगी, कायदे से 3 घंटे बैठ के देख लेना कितना आपका स्कोर हो रहा है, तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है यार। और लास्ट होता है हमारा एसे, जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है, 50 मिनट्स आपको टाइम मिलता है, तो टोटल टाइम यार हमारा 3 घंटे का ये पेपर होता है, और जो बच्चे ऐसे देते हैं उनका पेपर हो जाता है 3 घंटे 50 मिनट का। टोटल इसमें 154 क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे को मिला के आपके 155 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, वेल एंड गुड। अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को डाउट आया होगा, भैया ये राइट साइड में स्कोर रेंज लिख रखी है, इसका क्या मतलब है? स्कोर रेंज का मतलब ये होता है यार कि आपका ये जो टेस्ट होता है ना यार, ये थोड़ा सा एक वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया, हाँ, ये कंप्यूटर अडाप्टिव टेस्ट है। कंप्यूटर अडाप्टिव टेस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है यार कि हर बच्चे को अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, तो शुरुआत में आपको एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, अगर आप वो ठीक करते जाते हो तो आपका डिफिकल्टी लेवल हार्ड करते जाते हैं, अगर आपका वो गलत हो जाता है तो आपको थोड़े सिंपलर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इस तरह का इन्होंने कुछ अंदर मैकेनिज्म बना रखा है। और डिपेंडिंग ऑन आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करा है या एक ईजी क्वेश्चन सॉल्व करा है, आपको 200 से 800 की रेंज के बीच में एक स्कोर रेंज होती है, ठीक है यार, प्लस साथ में इतने सारे सैट एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो सब एक इक्वलाइज लेवल पे हों, उसके लिए भी ये स्कोर रेंज यूज़ की जाती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बेसिकली बस एक छोटी सी चीज़ थी तो बता दी।
हमें पढ़ने से मतलब है, अच्छा स्कोर करोगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे. अच्छा देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग यार. अब जो सैट हमारा नया आया है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. जो पहले था यार उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी, पर नए वाले में आप चाहे क्वेश्चन छोड़ के आओ या आप चाहे क्वेश्चन गलत करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है. अब सैट एग्ज़ाम आप देने जाते हो तो यार आपका खर्चा कितना होता है? ठीक है, ऊपर हमने देख तो लिया कि भाई कितनी भी बार दे सकते हैं, साल में 6 बार दे सकते हैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चाहे ज़िंदगी भर देते रहो, पर खर्चा कितना है? तो एक जो नॉर्मल सैट होता है विदाउट एसे यार, उसका आपका कॉस्ट होता है लगभग $94. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन डॉलर की क्या रेट चल रही है आज के दिन, तो आपका लगभग 7,000 का खर्चा है. ठीक है यार, और उसके बाद दोबारा आप अगर ऐसे भी जोड़ देते हो तो वही आपका फिर 700-800 का खर्चा और जुड़ जाएगा. ठीक है यार, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव तो है ही. ओके, कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर सैट. अब यार इस सैट के लिए या तो आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हो या आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर सकते हो, पर जनरली बच्चे जब ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं, जनरली छोटे बच्चे 10वीं 11वीं के बच्चे, तो वो जाते तो इंटरनेट पर पढ़ने के लिए, पर फिर उन्हें साइड में यूट्यूब और पबजी वगैरह जैसी कुछ चीज़ें दिख जाती हैं और फिर वो वहाँ पर इंडल्ज हो जाते हैं. तो क्या करें? तो अगर आप बहुत फोकस्ड हो, भाई मेरे को बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो फोड़ दूंगा, मैंने एक बार चीज़ स्टार्ट कर दी तो मैं बाकी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होऊंगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो यार, ऑनलाइन पढ़ सकते हो. ऑनलाइन कहाँ से पढ़ें, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो. ठीक है, पर अगर ऑफलाइन की बात करो तो यार ये दो बुक्स हैं जो कि बेस्ट हैं मार्केट में, ये दो बुक्स हैं जो कि बेस्ट हैं. ये आपके बेसिकली प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी हैं इनमें साथ में, और ये लेटेस्ट एडिशन है यार. इन दोनों बुक्स का मैं नीचे लिंक दे दूंगा यार. ठीक है, जो बेस्ट प्राइस होगी उसी का दे दूंगा, और लेटेस्ट एडिशन का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो अगर किसी को लेनी हो तो. ओके यार, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सैट, ऑनलाइन सोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्क्ड हैं, ऑफलाइन आपकी ये दो बुक्स हैं. ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, ये आप देख लेना, मैं बता के वीडियो में बोर नहीं करना चाहता. ये PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो किसी बच्चे को गौर से खोल खोल के देखनी हो तो देख सकता है. ठीक है, बाकी वोकैबलरी के लिए बैलेंस के 1100 वर्ड्स आते हैं यार, वो देख लेना, काफ़ी अच्छी है. ठीक है, देख के दिल खुश हो जाएगा. खुश तो नहीं होगा. ये यार आपके सारे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हैं, जैसे अभी हम प्रैक्टिस टेस्ट 1 को खोल के देख रहे थे, सिमिलरली ये 8 प्रैक्टिस टेस्ट हैं यार, इनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको हल्के में नहीं लेना है. साथ में यार जो ऐसी चीज़ें कि रीडिंग टेस्ट में आपको क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं आपसे, या फिर आपको क्या पढ़ना चाहिए, या क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, उनके बारे में मैंने थोड़े शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं यार, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना, देख लेना, खोल लेना. ठीक है, मैं बोर नहीं करना चाहता आपको वैसे तो. ठीक है यार, समझ गए. ओके, तो टाइम मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर रखा है यार, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इनको खोल खोल के देखना. मैं ऐसे बताता जाऊँगा तो यार ये वीडियो 40-50 मिनट का हो जाएगा, तो एटलीस्ट जो सिर्फ ऑडियंस में कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ इसे देखने आए होंगे, होता क्या है, कुछ बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे, तो जो सीरियस बच्चे हैं वो इसमें खोद सकते हैं. ठीक है, मैथ टेस्ट में आपका क्या क्या आता है सब लिख रखा है यार, आपका डाटा एनालिसिस, एलजेब्रा, एडवांस मैथमेटिक्स. ठीक है, एलजेब्रा ब्ला 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 पकाओ चीज़ें. अच्छा यार, एक सिंपल सी चीज़ तो हम बताना भूल ही गए यार, कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कैसे करना है. सैट एग्ज़ाम को आप रजिस्टर कहाँ कहते हो, पैसे भी हमें पता चल गया, कितनी बार दे सकते हैं वो भी हमें पता चल गया. इसकी यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिंक मिल जाएगी, बाकी PDF में भी मैंने इसकी एक लिंक दे रखी है, आपको मिल जाएगी. तो जैसे ही उस लिंक को दबाओगे यार, तो आपका ये खुल के आ जाएगा कॉलेज बोर्ड का पेज, और यहाँ पर आप सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो. ठीक है, कि पहले साइन इन करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फोटो वोटो लगाओ, आईडी वगैरह लगाओ, नाम अच्छे से लिखो. आज की वीडियो में यार बेसिकली बस सैट के बारे में बात करी, नेक्स्ट वीडियो में हम TOEFL और IELTS के बारे में बात कर लेंगे, ACT के बारे में बात कर लेंगे. पहले आपको एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा बता दूं, क्योंकि इसके बाद जब वो कॉलेज रिव्यूज़ वीडियो बनेंगे, ठीक है, मतलब फॉरेन कॉलेज रिव्यू वीडियोज़, या फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, कहाँ कहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं, तो वहाँ पे मैं बार बार इन एग्ज़ाम्स के नाम लूँगा कि इस एग्ज़ाम, इस कॉलेज में आपको सैट देना पड़ेगा, इस यूनिवर्सिटी में आपके TOEFL लगेगा, इस यूनिवर्सिटी में IELTS का एग्ज़ाम लगेगा, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो
कि यार क्या बोल दिया इसने, टोफल क्या होता है, सैट क्या होता है, तो फिर आप इन वीडियोस को रेफर कर सको, इसलिए इन वीडियोस को थोड़ा पहले बनाया। तो यार ये मेरी मम्मी का कुकिंग चैनल है और इस पे आप जाके बहुत धांसू धांसू रेसिपीज देख सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको दबाओ और उस चैनल पे जाओ, अपना जायका। यहाँ पे काफ़ी सारी रेसिपीज मम्मी ने बना रखी हैं, और अगर आप भी कुकिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर मेरे कुछ मम्मी के साथ कोलैब्स भी हैं जहाँ पे मम्मी ने बर्गर बनाया, तो जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक करो।